तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, परीक्षा ऐप अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, 22 दिसंबर को एग्जाम है उसका, तो वहाँ से जाइए, परीक्षा ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन EC40 यहाँ आप कोड यूज़ कीजिएगा, जिसमें आपको क्या होगा 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 150 में आपको 10 सेट मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन इसलिए है क्योंकि कई छात्र इसको यूज कर रहे हैं, उसमें आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी, एवरीडे करेंट है, साइंटिफिक तरीके से ऐप बनाया गया है। आप इसको डाउनलोड जरूर कर लें क्योंकि काफ़ी बेहतरीन है, पर डे आपको करेंट भी इसमें मिलेंगे, और इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम लोग बात करेंगे बिहार सचिवालय सहायक, जिसकी नियुक्ति के लिए काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। संभावना है कि अगले मंथ ये आ सकती है, हालांकि यह संभावना न्यूज़पेपरों के द्वारा हमेशा से ही अगले मंथ हो रहा है, लेकिन ये न्यूज़ में आया था तो मैं सोचा कि आपको अवगत करा दूँ, हो सकता है कई लोगों के पास ना पहुँचा हो ये न्यूज़। तो देखिए 1000 से अधिक पदों के, पहली बात, पिछली बार जो था उसमें 3000 समथिंग लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में ही, और इसमें 1000 से अधिक, तो इतना मान कर चलेगी कि पद जो है ठीक ठाक होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक ठाक पदों की संख्या होंगी, इतना आप मान कर चलें। और दूसरी चीज़ है, अगले महीने इसकी विज्ञापन आने की भी संभावना है। दोस्तों लास्ट सेकेंड जो CGL था, यानी इसके पहले जो सचिवालय से एक एग्ज़ाम लिया गया था, उसका क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या आयोग ने आंसर माना था, वो मैं आपको लिंक में डाल दिया हूँ, वो आप लिंक से देख लें, यूट्यूब का है, उसमें कंप्लीट पेपर है और उसका आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो उसमें है। तो आप लोग लिंक में वहाँ से डिस्क्रिप्शन से ले लें और उसको ज़रूर से देख लें, ताकि एक आइडिया लगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले महीने तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन आने की संभावना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन निकालेगा, इसमें 1000 से अधिक पद होंगे। BSSC ने सामान्य प्रशासन विभाग से इसके लिए जल्द रिक्तियां भेजने का आग्रह किया है, इसके लिए एक बैठक भी हुई है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि बैठक भी हुई है। और ये क्या बोल रहे हैं सचिव जी, जो है तृतीय स्नातक परीक्षा की अभियाचना भेजने का GSD से अनुरोध किया गया है, जल्द अभियाचना प्राप्त हो जाने की संभावना है, अगले माह विज्ञापन प्रकाशित होगा। तो इतना मान के चला कि विज्ञापन आज नहीं तो कल, मतलब जल्दी ही आएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा में है और आप लोग तैयारी करते रहे हैं, चूँकि अभी एग्ज़ाम काफ़ी होने हैं, अभी आपको इसका एग्ज़ाम है, फिर NTPC तुरंत, फिर आपको उसकी संभावना है कि आपको फरवरी मार्च में उसकी भी एग्ज़ाम हो जाएगी, उसके बाद आपको फिर BPSC का 66वां निकलेगा, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं कि कम है। तो आप लोग लगे रहें, करेंट पढ़ते रहें, तो हम लोग फिर इसके रिगार्डिंग आप ज़रूर वीडियो देख लें, फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।